प्रसाद की रंगोली बनाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें हर वर्ष सेवा प्रदान करें। आज हमने रंगोली बनाई, भगवान के ऊपर फूल बरसाए, राधे राधे। भगवान के ऊपर हमें फूल फेंकने पर बहुत मजा आया, राधे राधे। भगवान के दर्शन किए और स्वादिष्ट प्रसाद मिला, राधे राधे। आज हम बच्चों ने भगवान की सेवा के लिए गुब्बारे लगाए, रिबन लगाए और मंदिर को सजावट की। जल झूलनी एकादशी पर्व पर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया बच्चों को। साथ ही साथ अभी अभी भगवान नगर भ्रमण के लिए निकले हैं, विद्यालय परिवार द्वारा भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है, साथ ही साथ रंगोली बनाई गई है, आरती का प्रोग्राम रखा गया है। हम भगवान से आशा करते हैं भगवान हम पर दृष्टि बनाए रखे, इसी प्रकार भगवान सेवा का मौका देता रहे। राधे राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम। आज हमने मंदिर में दीपक जलाए और दीपक बाहर तेल के दीपक जलाए थे और अंदर घी के दीपक जलाए और जितने भी भक्त आए थे उनके साथ सामूहिक आरती की शादी कराते। अच्छा था कल का कार्यक्रम, हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिला और यही इच्छा रखेंगे कि आगे भी हमें यूं ही सेवा करने का मौका प्राप्त हो। भगवान अभी भी नगर भ्रमण के लिए निकले हैं, लोगों में बड़ा जोश है, भक्ति भाव है और जगह जगह फूलों की बारिश हो रही है, लोग में बड़ी अति उल्लास से। मैं तो हूं तेरी ही दासी, ना हूँ मैं कोई भोग अभिलाषी, तेरी भक्ति मैं भजन में गाऊं, तेरे द्वार पे रोज ही आऊं, तेरे रूप ने रोज निहारूं, तेरे रूप ने रोज निहारूं, ना घालोरी कजरार सांवरिया।
मंदिर में जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे उनमें हर्षिता टेंट हाउस की तरफ से टेबल, कुर्सी, भगोने आदि की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आज मुझे पालकी उठाने का मौका मिला, भगवान की सेवा करने का मौका मिला। जय श्री राधे। भगवान ने मुझे इस कार्यक्रम में सेवा करने का मौका प्रदान किया है। मैं चाहता हूँ कि हर बरस मुझे इस कार्यक्रम में सेवा करने का मौका मिले। अभी हमारी स्कूल गीतांजलि पब्लिक स्कूल के आगे से भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकलेगी। हम उनके भव्य स्वागत के लिए हमने रंगोली बना ली है और 21 किलो फूलों से उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। भगवान के आगमन के लिए हमने 11 किलो फूलों की तैयारी कर ली है। जैसे भगवान का आगमन होगा उन पर फूलों की बारिश की जाएगी। जय श्री राधे। हर वर्ष की बात है, इस भी जलजलनी एकादशी को ठाकुर जी नगर भ्रमण के लिए आएंगे और हमने उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। फूलों की पुष्प वर्षा की जाएगी और जितने भी भक्तजन आएंगे उनको प्रसादी वितरण किया जाएगा। आज स्कूल के माध्यम से हमने एकादशी का प्रोग्राम बच्चों के साथ मनाया। उसमें बाल स्वरूप में भगवान के साथ में बच्चों को प्रसाद बांटा और हमने विज्ञान दिया। फूल बरसाए, पूजा करी भगवान की और अच्छा हमको जो मौका मिला। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ वो आगे से हमको ऐसा मौका मिलता रहे और भगवान की सेवा में मिलती रहे, यही मेरे। यहाँ एक साल में एक बार ठाकुर जी नगर में भ्रमण करने के लिए आते हैं। हमने यहाँ वैभव स्वागत किया, फूलों स्वागत किया ठाकुर जी का, बहुत अच्छा लगा।
विनती की उनके ऊपर फूल बरसाएं। हाँ, हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि मुझे ये सौभाग्य फिर अगले साल फिर दोबारा मिले। मेरा नाम बबीला है, मैं चांदसौ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ हमारे यहाँ ठाकुर जी की यात्रा निकलती है। आज हम जयपुर आए थे इसलिए देखने के लिए हमें भी दर्शन देखने को मिला है। एकादशी के दिन भगवान भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आज नगर भ्रमण के लिए निकले, अलग अलग जगह पर आम जन ने भगवान का स्वागत किया, भगवान का भोग लगाया, जगह जगह प्रसाद वितरण किए गए, फूलों की बरसात की गई और आज एक बहुत ही अच्छा दिन था। और ये जो कार्यक्रम जिन लोगों ने किया वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। पहली बार हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, जगह जगह रंगोली की गई, लोगों ने स्वागत किया, हर जगह प्रसाद वितरण हुए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। जिन मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना कर दूँ मैं जीव जत रहे महाराज ठाकुर जी महाराज ने देखी और हमारी शोभा यात्रा थी वो बहुत ही भव्य रही। इस शोभा यात्रा में सनातन धर्म प्रेमियों ने बड़े ही बढ़ चढ़ कर जोर शोर से इसमें भाग लिया और हमारे जो झालारा क्षेत्र है उसमें ऐसा पहली बार देखने को मिला। छाल शोभा यात्रा रही आज की। कल एकादशी थी तो मैंने वहाँ पर प्रोग्राम देखा तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी कई झांकियाँ वगैरह निकली थी पर कल वहाँ पर फूलों की बरसात इन सबको देख के बहुत अच्छा लगा। और वहाँ के जो भक्तों ने जिस तरीके से प्रोग्राम सेटअप किया, जिस तरीके से उसकी योजना व्यवस्था की, वह बहुत अच्छा लगा मुझे। राधे राधे। जल जुलने 11 से 11 के दिन में आई है, सेवा करता रहे वहाँ, रंगोली बनाता रहे वहाँ, फूल बरसाता रहे वहाँ भगवान के ऊपर। भगवान आई, भगवान से आई प्रार्थना चाहे सी सेवा दिया जाओ मन तो हंड भी आई सेवा करूँ चुमा का मंदिर में भी आई सेवा। बढ़िया, शानदार और हर साल इसी तरह होता रहे कार्यक्रम। राधे राधे। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। 25-30 साल से कर रहे हैं और गैस को हम निकालते हैं, पहले महाराज करते थे और अब दोनों बेटे करते हैं। मेरा नाम राज वैष्णव है, मैं ठाकुर जी के शरणों में आदि सावन जन्म करता हूँ। ठाकुर जी महाराज के दर्शन भी किए, हमारे गाँव में ऐसी भी निकलती उसे रेवाड़ी कहा जाता है और ये भाद्रपद 11 को मनाई जाती है। हाँ, जहाँ से भगवान गुजर रहे हैं वहाँ से हमने पंजीरी और चंदा मत की व्यवस्था की गई है।